अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि शफकत महमूद साहब की तरफ से कल बहुत ज़्यादा अहम ट्वीट किए गए हैं, जिसमें मैट्रिक और इंटर के तमाम स्टूडेंट्स को पास करने का फ़ैसला किया गया। अगर किसी स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट्स में नंबर कम आएंगे तो उसको पासिंग मार्क्स दे के, यानी 33% नंबर दे के उसको पास कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा भी कल बहुत से अहम फैसले हुए हैं, जिसमें आपको पता है स्टूडेंट्स सिलेबस के हवाले से बात हुई है कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब आपने फुल सिलेबस पढ़ना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं जो कि अप्रैल मई में हेल्ड होंगे, इसके अलावा आपका जो तालीमी साल है उसका आगाज़ अगस्त में होगा। तो इन सब अहम फैसलों के साथ साथ कुछ सवालात स्टूडेंट्स के जहन में क्रिएट हो रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन बन रही है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स कोशिश करूँगा कि अब आपकी जो सारी कन्फ्यूजन, आपके जो सवालात हैं, उनको आपके जवाब इस वीडियो में मिल सकें। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स, जब शफकत महमूद साहब ने ऐलान किया था कि वो स्टूडेंट्स जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में अपेयर होना चाहते हैं तो वो इन एग्ज़ाम्स को स्किप कर सकते हैं जो कि लास्ट टाइम हुए थे। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अब क्योंकि सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स नहीं होंगे क्योंकि कोरोना की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन एग्ज़ाम्स में अपेयर नहीं हुए थे, या वो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने पासिंग मार्क्स के अलावा यानी अच्छी तरीके से तैयारी करके नंबर लेना चाहते थे। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को ये मौका दिया जाएगा, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि अक्टूबर नवंबर में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होंगे, जिनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का नाम नहीं दिया जाएगा और उनका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी में आएगा, ताकि उनका जो साल है वो ज़ाया ना हो और उस रिज़ल्ट की बेस पे वो नेक्स्ट ईयर में या एंट्री हैं। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इस एग्ज़ाम्स में अपेयर नहीं हुए, जो अपने नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन नहीं भेजा था, या वो इन एग्ज़ाम्स में उन्होंने एडमिशन तो भेजा था लेकिन अपेयर नहीं किया, उनको भी पास किया जाएगा। देखें, ये जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है मैट्रिक और इंटर के तमाम स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एडमिशन भेजा था और वो पेपर में अपेयर हुए हैं, ये सिर्फ उनको मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने एडमिशन नहीं भेजा था या जिन्होंने पेपर नहीं दिए, तो उनको इस पॉलिसी में शामिल। स्टूडेंट्स एक और सवाल पूछ रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो तमाम सब्जेक्ट्स में फ़ेल होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अख्तियारी मज़ामीन के पेपर हुए हैं, लाजमी के नहीं हुए, तो अगर अख्तियारी तमाम मज़ामीन में भी वो फ़ेल हो जाएंगे तो क्या उनको पास कर दिया जाएगा? देखें, जिस तरह के अनाउंसमेंट हुए, जिस तरह का ऐलान हुआ है, इसके मुताबिक स्टूडेंट्स अगर आप जो तीन पेपर आपने दिए हैं इंटर के, अगर मैट्रिक के अगर आपने चार पेपर दिए, तो अगर आप किसी एक दो तीन या चार में भी फेल हो जाते हैं तो आपको 33% नंबर दे के पास कर दिया जाएगा। तो ये कन्फर्म है। इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं भेजा, जो अपेयर नहीं हुए, उनको पास नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो भी अपडेट हुआ, जो भी आपकी कन्फ्यूजन हुई, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।